हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार ऋषि यस क्लासेस पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSc फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का, जो हमारा पेपर है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, उसका जो यूनिट फर्स्ट है जिसमें हम केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं, उसी का ही हम एक और लेक्चर लेकर आ चुके हैं। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज क्या होता है। हम ऑलरेडी पिछले कुछ क्लासेस में ग्लूकोज से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक्स पर बात कर चुके हैं, तो उसी को ही कंटिन्यू करते हुए अब इस लेक्चर में हम साइक्लिक स्ट्रक्चर पर बात करेंगे, जो कि बहुत ही डिटेल कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपने तैयारी को स्टार्टिंग से बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ आई बटन पर भी आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, सभी चीज़ों को नोट डाउन करना जरूर स्टार्ट कर दीजिए। अगर अभी नोट्स नहीं बनाते तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग दीजिएगा, बीच में हेडिंग दीजिए, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। ओके, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज में लिखूं या डी ग्लूकोज लिखूं, बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमारे पास, हम सभी जानते हैं क्यों ऐसा होता है। ठीक है, वैसे अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं अपने किसी लेक्चर में आपको ये बातें फिर से समझा दूंगा। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर्स में बात कर लिया है। ठीक है, देखो हमने स्टार्टिंग से, मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। ठीक है, हमने स्टार्टिंग से बात किया था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इनके क्लासिफिकेशन पर बात किया हमने। ठीक है, जिसमें हमने बताया आप सभी को कि हमारे पास क्लासिफिकेशन दो प्रकार से किया जा सकते हैं, एक तो स्वीटनेस, दूसरा नॉन स्वीटनेस के बेस पर। ठीक है, तो वो खैर साइड में रखते हैं, ग्लूकोज से बात करना शुरू करते हैं। मोनोसैकेराइड के अंतर्गत हमने बात किया कि ग्लूकोज क्या होता है एंड फ्रक्टोज क्या होता है, इन दोनों चीज़ों पर हमने बात करना स्टार्ट किया। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में हमने जाना कि इनके फार्मूला क्या है, पता चला सेम मॉलिकुलर फार्मूला है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, तो सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन था। फिजिकल प्रॉपर्टीज पर हमने बात किया, केमिकल प्रॉपर्टीज पर हमने बात किया, इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, जिसमें हमने इसके ओपन चेन स्ट्रक्चर पर बात कर लिया और वहीं पर पता चला कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे से डिफरेंट कैसे होते हैं। क्योंकि हमने देखा था कि ग्लूकोज में हमारे पास जो पहला कार्बन है उसी से ही हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है, जबकि कीटोन फ्रक्टोज पर जो हमने बात किया तो उसमें हमने देखा कि दूसरा जो हमारे पास कार्बन है उससे हमारे पास कीटो ग्रुप प्रेजेंट है या जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने उन दोनों के बीच के डिफरेंस को देखा। बट जब हमने यह देखा कि ग्लूकोज का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है, आइए बात करना शुरू करते हैं। ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर पर जब हमने बात करना स्टार्ट किया तो हमने देखा कि उसके जो मॉलिकुलर फार्मूला होते हैं उसमें हमारे पास कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, सी एच, यहाँ पर मैं H लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर हमारे पास कार्बन है, यहाँ पर एच ओ है, ये हमारे पास एच है, इसका हमने कॉन्फिग्रेशन लिखना स्टार्ट किया है। ठीक है, कॉन्फिग्रेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी है, तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास CH2OH होता है। ओके, इतनी चीजों के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, छह कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, अच्छी बात है। अब सवाल उठ रहा है कि यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो तो सेकेंडरी है, प्राइमरी हमारे पास फोकस क्या रखना है, हमारे पास यहां पर एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस वजह से यह जो ग्लूकोज है यह हमारे पास अगर एल्डिहाइड है, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो एल्डिहाइड ही होगा। ठीक है, तो यह क्या करना चाहिए, एल्डिहाइड टेस्ट जितने भी होते हैं, ठीक है, जितने भी टेस्ट ऐसे हैं जो किसी भी कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है उसके बारे में जितने भी टेस्ट किए जाते हैं उन सभी टेस्ट के साथ इसको पॉजिटिव टेस्ट देना हो चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर निगेटिव टेस्ट दे रहा तो हम कह सकते हैं कि इसमें एल्डिहाइड तो नहीं प्रेजेंट है, लेकिन हमने जब इसके ओपन चेन स्ट्रक्चर में क्लियरली रूप से मेंशन कर दिया है कि यहां पर एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो यह क्या करना चाहिए, एल्डिहाइड टेस्ट देना चाहिए। ठीक है, और उसके लिए हमारे पास दो टेस्ट बहुत ही फेमस होते हैं। एक तो टेस्ट हमारे पास होता है सोडियम बाइसल्फेट, यानी कि NaHSO3 हमारे पास होता है।
इसके साथ हमारा ग्लूकोज रिएक्शन करना चाहिए। और बहुत ही फेमस एक टेस्ट होता है, उसे हम कहते हैं सिफ टेस्ट, SCHIFF, सिफ्स टेस्ट। और जितने भी हमारे पास इस ब्रह्मांड में या फिर इस नेचर में जितने भी हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन्स प्रेजेंट होते हैं, वो सभी के सभी सिफ टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट ही देते हैं, यानी कि सिफ रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट ही देते हैं, ठीक है। लेकिन जब ग्लूकोज के बारे में बात किया गया और ग्लूकोज में जब हमने बोला कि इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो इन एल्डिहाइड्स, इन ग्लूकोज को हमारे पास NaHSO3 और सिफ रिएजेंट के साथ रिएक्शन करना चाहिए था। लेकिन देखा ऐसा गया कि ग्लूकोज जो है वो इन दोनों के साथ निगेटिव टेस्ट दे रहा है, यानी कि रिएक्शन नहीं कर रहा है। तो यहां से बात ये आई कि ग्लूकोज के पास क्या एल्डिहाइड ग्रुप नहीं प्रेजेंट है? अगर ऐसा है तो यानी कि इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर सही नहीं है। यहां तो डाउट आ गया। अब जो साइंटिस्ट लोग हैं वो कंफ्यूज हो चुके हैं, क्योंकि अभी तक तो हम मानकर यही चल रहे हैं कि ग्लूकोज जो है उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन हमने जब इसका सिफ टेस्ट और NaHSO3 के साथ रिएक्शन कराया तो देखा कि हमारे पास यहां पर तो रिएक्शन फेल हो रहा है, पॉजिटिव टेस्ट मिल ही नहीं रहा। तो इस सिचुएशन में तो अब हो गए सभी साइंटिस्ट कंफ्यूज। तो ऐसा सिचुएशन में उन लोगों ने कहा कि इसका मतलब यह हुआ कि ग्लूकोज जो है इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर पूरी तरीके से सही नहीं है, तो इसलिए हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का कॉन्सेप्ट अराइज हुआ। ओके, तो आइए पहले आप लोग फटाफट से पहला हेडिंग दीजिएगा कि ओपन चेन स्ट्रक्चर, ठीक है, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज या डी ग्लूकोज इज नॉट परफेक्टली ट्रू, या फिर होली ट्रू भी लिखा जा सकता है, ठीक है, होली ट्रू, ठीक है, यानी कि यह पूर्ण रूप से सही नहीं है। क्या सही नहीं है? कि हमारे पास ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है वह पूरी तरीके से सही नहीं है। यहां से यह बात आने शुरू हो गई, ठीक है। तो ये हमने कैसे जाना है, तो इसके बारे में मैं आप सभी को लिख देता हूं, जो भी मैंने आपको बताया। अनलाइक, ठीक है, अनलाइक, ओके, अनलाइक एल्डिहाइड्स, ठीक है, सिंपल एल्डिहाइड्स लिखिए, ठीक है, अनलाइक सिंपल एल्डिहाइड्स, ठीक है, अनलाइक सिंपल एल्डिहाइड्स हमारे पास जो होते हैं क्या कर सकते हैं, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज डू नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट, ठीक है, डू नॉट गिव सिफ टेस्ट, ऐसे लिखिए, ठीक है, SCHIFF सिफ टेस्ट, या फिर आप लिख सकते हैं NaHSO3 के साथ भी, ठीक है। तो यहां से यह बात शुरू हो गई कि अब तो बवाल हो गया, और बवाल में क्या हुआ कि ग्लूकोज जो है वो सिफ टेस्ट, सिफ रिएजेंट के साथ, सिर्फ रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन करने के लिए रखा गया तो पता चला कि यह तो नो रिएक्शन दे रहा है, यहां पर निगेटिव टेस्ट हमारे पास मिल रहा है, क्योंकि रिएक्शन तो करना चाहिए था, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर में बोला था कि प्रेजेंट है। तो ऐसे सिचुएशन में अब एक आया कॉन्सेप्ट म्यूटा रोटेशन, जो कि हमने पहले समझ लिया है, ईपी मर्स के बारे में जाना है, एनो मर्स के बारे में जाना है, म्यूटा रोटेशन के बारे में जाना है, और वही म्यूटा रोटेशन जो होता है वह सजेस्ट करता है कि जो ग्लूकोज होता है इसके पास ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि इसके पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, कंफर्मेशन नहीं है। म्यूटा रोटेशन कंफर्मेशन नहीं देता, ध्यान रखना, याद रखना, म्यूटा रोटेशन केवल सजेशन देता है, पॉसिबिलिटीज के बारे में बताता है कि हाँ ग्लूकोज के पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर हो सकता है। ओके, ठीक है, तो आइए हेडिंग लगाइए अपने कॉपी में कि म्यूटा रोटेशन, ठीक है, म्यूटा रोटेशन सजेस्टेड, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं सजेस्ट साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है,
इसके बारे में यहां पर आप लोग हेडिंग लगा दीजिए। अब हमने पिछले लेक्चर में तो म्यूटा रोटेशन के बारे में पूरा डिटेल से डिस्कस किया था और वही बातें यहां पर भी मैं रिपीट करूंगा, ठीक है। इसलिए मैं यहां पर आपको जो नोट्स लिखवाने का तरीका है वो नोट्स यहां पर मैं नहीं लिखवाऊंगा, नोट्स हमारा पिछला ही रहेगा, यानी कि म्यूटा रोटेशन आप यहां पर पूरा छाप दीजिए। तो हमने क्या देखा था म्यूटा रोटेशन में कि जो हमारे पास ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। मैं यहां पर सॉर्ट कर दिया क्योंकि स्पेस शायद कम पड़ जाए, इसलिए मैंने इनको सॉर्ट कर दिया। तो हमने देखा था कि जब हम ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर को देख रहे थे तो ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है वह दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, और वो कैसे एग्जिस्ट कर सकता है ये तो हमारे पास सोल्यूशन में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो यह दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। एक तो पॉसिबिलिटी ये है, एक काम करता हूं मैं यहां पर 4 की जगह 3 लिख देता हूं, और साथ ही साथ यहां पर मैं क्योंकि पांचवा जो हमारे पास पांचवा कार्बन है उससे पहले कार्बन से बॉन्ड भी तो बनाना था, ठीक है। तो यहां पर CH3 है एंड यहां पर हमारे पास OH एंड यहां पर हमारे पास CH2OH है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि ये एक्चुअली 3-डायमेंशनल फिगर है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे पास जो ग्लूकोज के एक एक मॉलिक्यूल एक एक एटम एक दूसरे से जब कनेक्ट है, ठीक है, समझना इस बात को, मेरी बातों को ध्यान देना। ग्लूकोज के एक एक एटम कार्बन हो ऑक्सीजन हो हाइड्रोजन हो वो सभी के सभी एक दूसरे से कनेक्ट हैं, और ये जब कनेक्ट है तो ये 2-डायमेंशनल तो होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमने सॉलिड स्टेट में इसके बारे में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ लेंगे, वैसे इंटरमीडिएट में भी है और हमें सेकंड सेमेस्टर में सॉलिड स्टेट के बारे में भी पढ़ना रहता है। तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से 3-डायमेंशन में जुड़े रहते हैं। तो अब यहां पर फिलहाल तो मैं 3-डायमेंशन दिखा नहीं सकता, यह तो एक बोर्ड है, यह जो कि 2-डायमेंशन प्लेन है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहां पर 2-डायमेंशन में स्ट्रक्चर को लिख रहा हूं, लेकिन यह 3-डायमेंशन में प्रेजेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर जो हमारे पास 5th नंबर का कार्बन के साथ यह जो OH ग्रुप जुड़ा होता है, इस OH ग्रुप का यह जो हाइड्रोजन होता है, ध्यान दीजिएगा, इस OH ग्रुप का यह जो हाइड्रोजन होता है वह इस कार्बन पर अटैक कर सकता है। एक पॉसिबिलिटी है कि कार्बन प्रेजेंट है तो सामने से अटैक करे, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि कार्बन प्रेजेंट है तो इसके पीछे से अटैक करे, ठीक है। कार्बन प्रेजेंट है तो सामने से अटैक किया, पीछे से भी अटैक कर सकता है, दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर यह सामने से अटैक करता है तो हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है, यानी कि ग्लूकोज का एक फॉर्म मिलता है अल्फा डी ग्लूकोज। अगर यह पीछे से अटैक करता है तो यह हमारे पास बीटा डी ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। ओके, बातें समझ में आई, ठीक है, आइए बात करते हैं। तो यहां से क्या बात पता चल रही है और यह कैसे अटैक होता है, मैंने ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर में म्यूटा रोटेशन में बताया था कि हमारे पास कार्बन जो है उसके हमारे पास ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन जो होता है यह हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है, तो यह बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचे रखता है। ओके, अपनी तरफ खींचे रखता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस चार्ज आएगा और कार्बन पर डेल्टा प्लस चार्ज आएगा। ओके, और जब कार्बन अनबैलेंस स्टेट में आएगा तो वह फिर से फटाफट से बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी दिखाएगा। तो इसलिए इस हाइड्रोजन से हाइड्रोजन को तोड़ते हुए या ऑक्सीजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो वो कार्बन से जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक तो हमारे पास कुछ ऐसे हो सकता है, यहाँ पर OH मैंने राइट साइड में दिखाया और यहाँ पर H मैंने लेफ्ट साइड में दिखाया, एंड यहाँ पर CHOH का 3 times प्रेजेंट है, एंड यहाँ पर हमारे पास कार्बन, इससे हमारे पास हाइड्रोजन, एंड यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन जुड़ा है, एंड ये इस प्रकार से बॉन्ड बना है, और यहाँ पर हमारे पास CH2OH है, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ओके, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ और इसको ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर आप हमारे पिछले लेक्चर्स को देखेंगे, जो हम आप सभी को पहले भी पढ़ा चुके हैं, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये वाला स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। तो अब कुछ बच्चे हो सकते हैं वो स्ट्रक्चर देखने के बाद आएंगे और मैं जो अभी स्ट्रक्चर बनाया था उसको देखेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे कि सर जी वहां गलत पढ़ाए थे या फिर यहां पर गलत पढ़ा रहे हैं। नहीं, मैं कहीं नहीं गलत पढ़ा रहा हूं, बात तो एक ही है, चाहे हम ऐसे लिखें चाहे वैसे लिखें, बात एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यहां पर मैंने क्या किया, कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन से कार्बन जुड़ा है, वो सिचुएशन में भी जुड़ा था, OH ग्रुप हमारे पास राइट साइड में है, हाइड्रोजन जो है लेफ्ट साइड में है, उस सिचुएशन में भी था, तो बात एक ही है, बस यहां पर रिप्रेजेंट करने का ड्रॉ करने का तरीका अलग है,
ठीक है, ये तो थ्री डायमेंशनल फिगर है ना, या तो मैं टू डायमेंशन में बना रहा हूं ना, नहीं समझे आई थिंक आप लोग। यहां पर जब टू डायमेंशन है तो यह जो OH है ये तो मैंने एक ही प्लेन में दिखा दिया, लेकिन एक्चुअल में ये कार्बन है, ठीक है। कार्बन से यहां पर ये ऐसे बॉन्ड होकर आया और OH ग्रुप तो इधर जुड़ा है। अब इसको मैं थ्री डायमेंशन में कैसे दिखा सकता हूं, तो इसलिए मैं या तो ऊपर दिखा देता हूं या तो साइड में दिखा देता हूं और ये ऐसे जुड़ जाता है, ठीक है। पता नहीं आप लोग समझे होंगे या नहीं, मैं अगर नहीं समझे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, बस इतनी बातें तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, अच्छी बात है। अगर इतनी बातें भी समझ में आ चुकी हैं तो यहाँ पर हमारे पास OH जुड़ा है, यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड बना है, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्फा फॉर्म होता है क्योंकि हमारे पास OH ग्रुप राइट साइड में है। अगर लेफ्ट साइड पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है, यहाँ से हमारे पास OH है, एंड यहाँ पर हमारे पास CHOH का 3 times, एंड यहाँ पर हमारे पास CH, एंड H को मैं इधर लिख देता हूँ, एंड यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, एंड यहाँ पर हमारे पास CH2OH है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बात पता चल रही है कि हमारे पास जो ग्लूकोज के दो फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, एक तो हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज होता है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है बीटा डी ग्लूकोज। क्या होता है? बीटा डी ग्लूकोज। और यहां से क्या बात पता चल रही है, ये हमारे पास तो डी ग्लूकोज है, मैं लिख दे रहा हूं एक बार, ठीक है। तो अब म्यूटा रोटेशन क्या सजेस्ट करता है? म्यूटा रोटेशन यह सजेस्ट करता है कि ग्लूकोज के पास साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और यहीं से तो यह बात सजेशन में आ रहा है कि हमारे पास जो ग्लूकोज है उसके पास कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप फ्री प्रेजेंट नहीं है, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसके पास हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसमें हमारे पास एक अल्फा होता है, दूसरा हमारे पास बीटा फॉर्म होता है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, एनोमेरिक फॉर्म कहते हैं ग्लूकोज का, ओके, बातें समझ में आई। तो यहां से म्यूटा रोटेशन यही सजेस्ट कर रहा है कि ग्लूकोज के पास ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं होता बल्कि साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो फिलहाल तो ये कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि अगर कंफर्मेशन होना चाहिए तो कब कब होना चाहिए? रिएक्शन को भी शो करना चाहिए, रिएक्शन तो कर नहीं रहा अभी तक, तो इसके लिए कंफर्मेशन के लिए कुछ और भी चीजें हमें करना पड़ेगा। ये तो सजेशन हुआ, सजेशन को प्रमाण को प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए पहले हमें प्रत्यक्ष दिखाना पड़ेगा, प्रमाण पहले हम शो कर देंगे तब प्रत्यक्ष भी दिख जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारे पास फिलहाल सजेशन हुआ, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये बातें याद रखिएगा, यहाँ पर म्यूटा रोटेशन का मैंने कॉन्सेप्ट जस्ट इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, और इसके बारे में हमने डिटेल में आप सभी को म्यूटा रोटेशन वाले लेक्चर में बताया है, तो वहां से उन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं तो, अदरवाइज आप लोग उन चीज़ों को याद करते हुए एग्जाम में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ये तो हमारे पास सजेशन हुआ, ठीक है, म्यूटा रोटेशन सजेस्ट साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, लेकिन अब इसके कंफर्मेशन पर बात करते हैं, तो मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट फटाफट से लीजिए, हो चुका होगा स्क्रीनशॉट। तो अब इसके हम क्या बात करते हैं, अरे आइए बात करते हैं अपने कंफर्मेशन पर कि कंफर्मेशन कैसे होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है, बार बार क्या रिपीट करूँ, आइए बात करते हैं। ठीक है, आइए चलिए अब बात करते हैं। यहां पर मैं एक लाइन मेंशन कर दे रहा हूं, ठीक है, कि म्यूटा रोटेशन, ठीक है, आप लोग अपने कॉपी में मत लिखने लग जाइएगा, ये बस मैं ऐसे बता रहा हूं ताकि आप लोग कभी भी इस स्क्रीनशॉट को देखेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। म्यूटा रोटेशन पिछले लेक्चर से ही लिख लीजिए, ठीक है, पिछले लेक्चर से लिख लीजिए, ठीक है, ओके, हो सकता है स्पेलिंग मतलब हिंदी में मैंने गलत लिख दिया हो, ठीक है, ऐसे मैं कर देता हूँ, लिख लो, ठीक है, वैसे लीजिए ही सही है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ओके। आइए बात करते हैं अब अपने तीसरे हेडिंग पर, ठीक है, तीसरा हेडिंग हमारे पास क्या है, तीसरा हेडिंग हमारे पास है कंफर्मेशन के लिए, ठीक है।
तो ग्लूकोसाइड का फॉर्मेशन होता है तब हमारे पास कंफर्मेशन मिलता है, ग्लूकोसाइड फॉर्मेशन, ठीक है, ग्लूकोसाइड फॉर्मेशन कन्फर्म्स, ठीक है, कन्फर्म्स साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। मैंने क्या बोला कि हमारे पास ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को कौन कन्फर्म करता है, तो वो कन्फर्म करता है ग्लूकोसाइड का फॉर्मेशन, ठीक है। ग्लूकोसाइड का जब फॉर्मेशन होता है तो कन्फर्मेशन हमारे पास मिलता है कि हमारे पास ग्लूकोज के पास साइक्लिक स्ट्रक्चर ही है। अब ये कैसे फॉर्मेशन होता है, ये बात करते हैं, ठीक है। क्या होता है कि ग्लूकोज, ठीक है, रिएक्ट्स विथ, रिएक्शन करता है किसके साथ, रिएक्ट्स विथ मेथिल एल्कोहल, ठीक है, मेथिल एल्कोहल के साथ हमारा प्यारा ग्लूकोज रिएक्शन कर ले जाता है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में यह रिएक्शन होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट HCl, ठीक है, कंसंट्रेट HCl के प्रेजेंस में यह रिएक्शन होता है तो क्या करता है, फॉर्म करता है, ठीक है, फॉर्म्स टू आइसोमेरिक, ठीक है, टू आइसोमेरिक एसीटेट्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और इसी को ही हम क्या कहते हैं, इसी को ही एक्चुअली हम कहते हैं कि ग्लूकोसाइड है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा रिएक्शन के थ्रू सारी चीजों को समझाऊंगा, ठीक है। एंड ये जो हमारे पास आइसोमेरिक एसीटेट्स होते हैं, ठीक है, दीज कंपाउंड्स, ठीक है, दीज कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है, बट लेकिन डू नॉट गिव रिएक्शन, ठीक है, बट डू नॉट गिव रिएक्शन ऑफ फ्री CHO ग्रुप, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ये फ्री CHO ग्रुप का कोई भी रिएक्शन शो नहीं कर पाते हैं, और ये बहुत ही सैडेस्ट ट्रूथ है, क्यों, क्योंकि तब हमारे पास पता चल गया कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जो है वो अब खत्म हो चुका है, उसकी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ग्लूकोज के पास एक ही स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि है साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरीके से गलत है, नहीं, ठीक है, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज के कुछ ऐसे भी रिएक्शंस हैं जो कि केवल ओपन चेन स्ट्रक्चर की सहायता से ही प्रूव होते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर से सहायता से प्रूव नहीं हो सकते, ये भी बात ध्यान रखना है। यानी कि ग्लूकोज के दोनों स्ट्रक्चर ही अपने जहां पर सही हैं, चाहे वो ओपन चेन स्ट्रक्चर हो चाहे साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, ठीक है, बस कुछ केसेस में दोनों फेल हो जाते हैं, ओके। तो आइए बात करते हैं, अब यहां पर हम ग्लूकोसाइड के फॉर्मेशन को दिखाते हैं, ठीक है। ये हमारा प्यारा ग्लूकोज आया, ओके, तो यहाँ पर OH लगा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास H लगा हुआ है, एंड यहाँ से हमारे पास बॉन्ड बना है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास CHOH का 3 times, ठीक है, वैसे 3 times मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग चाहें तो एक्सप्लेन करते हुए लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास C, एंड ये हमारे पास ऑक्सीजन, एंड ये हमारे पास बॉन्ड बना है, एंड यहाँ पर हमारे पास CH2OH है, राइट साइड में है, इसलिए इसको हम अल्फा डी ग्लूकोज कहेंगे। मेथिल एल्कोहल के साथ ट्रीटमेंट हमने कराया, किसके प्रेजेंस में ट्रीटमेंट होता है, तो कंसंट्रेट HCl के प्रेजेंस में होता है, ठीक है, कंसंट्रेट HCl के प्रेजेंस में होता है। तो क्या होता है कि हमारे पास एल्कोहल जो होता है वो एसिडिक नेचर को शो कर सकता है, तो यहाँ पर OH जो होता है यह हाइड्रोजन एक अटैक करता है, तो यहाँ से OH+ OH2+ का फॉर्मेशन होता है, तो एक H+ इस OH ग्रुप से बॉन्ड बनाने लग जाता है, तो इसलिए यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास रिमूव होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से H+ यहाँ से OH- एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हुए वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हुए बाहर निकल जाते हैं, बचा क्या, CH3O बचा, ये CH3O इस कार्बन पर प्लस चार्ज आ चुका है, इस CH3O पर माइनस चार्ज आ चुका है, तो ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्म होता है C, एंड यहाँ पर आता है OCH3,
एंड यहाँ पर होता है H, यहाँ पर हमारे पास होता है CHOH का 3 times, एंड यहाँ पर हमारे पास होता है C, यहाँ पर होता है H, ये हमारे पास ऑक्सीजन, ठीक है, एंड ये हमारे पास CH2OH, ओके। और इस प्रकार हमारे पास क्या मिलता है, यहाँ पर हमारे पास ये अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है, जो होता है वो मिथिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है, तो यह फॉर्म करता है अल्फा मिथिल, ठीक है, ग्लूकोसाइड, ठीक है, अल्फा मिथिल ग्लूकोसाइड का प्रिपरेशन होता है, जो कि हमारे पास एक एसीटेट है, ठीक है। और यहाँ पर इस रिएक्शन के द्वारा क्या बात पता चल रही है कि इस ग्लूकोज में हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, यहाँ से यह बात पता चल रही है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, मैं एक बार चेक कर लूँ वीडियो चल रहा है या नहीं, फिर उसके बाद हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो चुका, ओके, सारी चीज़ें समझ में आ रही है ना, बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं, अरे यार परेशान मत हो, रिवीजन कर लो अगर चीज़ें दिक्कत कर रही होंगी तो। वैसे नई नई चीज़ें आती हैं तो प्रॉब्लम होता है, और प्रॉब्लम को फेस करना ही पड़ता है, तभी हम अपने चीज़ों में अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट हो चुका है ना, इरेज करूँ या फिर आगे बात करें, अरे आगे बात करेंगे, इरेज करेंगे तभी ना बातें होगी, ठीक है, चलिए बात करते हैं, ठीक है, इरेज कर रहा हूं, ठीक है। ये हमने अल्फा पोजीशन से देख लिया, अब बात कर लेते हैं अपने बीटा पोजीशन से, ठीक है। तो रिएक्शन तो लगभग सेम ही होने वाला है, बस बीटा फॉर्म पर हमें बात करना है, तो मैं फिलहाल इरेज करूं, फिर उसके बाद ही हम बात कर पाएंगे ना, ठीक है। तो आइए पढ़ाई भरी बातें फिर से एक बार और करते हैं और फिर अपने इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं बीटा डी ग्लूकोज पर, तो ये हमारे पास सी हो गया, यहाँ पर एच ओ हो गया, यहाँ पर हमारे पास एच हो गया, यहाँ पर हमारे पास सी एच ओ एच, सी एच ओ एच, सी एच ओ एच, सी कितने कार्बन हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचवा कार्बन है, तो यहाँ पर एच मैंने दिखाया, ये हमारे पास ऑक्सीजन, एंड ये हमारे पास बॉन्ड बन गया, ये हमारे पास सी एच टू ओ एच हो गया, ठीक है। इसका हमने अगेन मिथिल अल्कोहल के साथ ट्रीटमेंट कराया, तो यहाँ से यह बात पता चल रही है, क्या बात पता चल रही है कि कंसनट्रेट एच सी एल के प्रेजेंस में यह रिएक्शन होगा, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन में हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ से एच एंड यहाँ से ओ एच, एच टू ओ का बन, एच टू ओ मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हुए बाहर निकलेंगे, तो यानी कि माइनस एच टू ओ हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ से सी एच थ्री ओ आएगा और यहाँ पर अटैक कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सी एच थ्री ओ एंड यहाँ पर सी, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड सी एच ओ एच, सिंगल बॉन्ड सी एच ओ एच, सिंगल बॉन्ड सी एच ओ एच, सिंगल बॉन्ड सी एच ओ, एंड यहाँ पर हो जाएगा सी एच टू ओ एच। कार्बन्स की संख्या काउंट कर लीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बीटा डी ग्लूकोज जो है, ठीक है, वो फॉर्म कर लिया बीटा डी मेथिल ग्लूकोसाइड का, ठीक है, ग्लूकोसाइड का यहाँ पर प्रिपरेशन कर लिया। और इस प्रकार हमने क्या देखा कि हमारे पास जो ग्लूकोज है इसके पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर को अब हम समराइज कर देते हैं। तो यहाँ से सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, अब यहाँ से क्या क्या बातें पता चली। पहली बात तो ये कि हमारे पास ग्लूकोज जो है उसका ओपन चेन स्ट्रक्चर पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता। तो सवाल आया कि ग्लूकोज के पास कोई और स्ट्रक्चर है, इसका मतलब क्या, ठीक है। तो म्यूटा रोटेशन उसके लिए सजेशन दिया कि हाँ 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 है जरूर 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 है, तभी ये बात हो सकती है, अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म तभी तो एग्जिस्ट कर पाएगा, ठीक है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर को ये तो केवल सजेशन दिया था ना, मतलब संभावनाएं बताए थे कि हाँ हो सकता है, तो इसके लिए वह क्या किया, एक कन्फर्मेशन चाहिए था। कन्फर्मेशन के लिए ग्लूकोसाइड्स का फॉर्मेशन हमने दिखा दिया, तो यहाँ से क्या बात पता चला कि अरे वाह, ग्लूकोज के पास तो साइक्लिक स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करता है। तो अब सवाल उठता है कि ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, जिसमें हम हावर्ड प्रोजेक्शन के द्वारा आपको प्रोजेक्ट करते हुए सिखाएंगे कि ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे
ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें हम अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म दोनों पर ही बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने इस वीडियो की खत्म करते हैं और अगले लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे। वीडियो अच्छे लग रहे हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे, वीडियो पसंद आ रहे होंगे, अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हमसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।